आप देख रहे हैं गुरुज्योति पत्रकार न्यूज चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं खास खबर। जयपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु की अध्यक्षता में नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन योजना राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रदेश अध्यक्ष कोजा राम सियाग के नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी का दो दिवसीय विभिन्न मुद्दों पर मैराथन विचार विमर्श हुआ। कार्यकारिणी की बैठक में पूरे देश पूरे राजस्थान से प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी ने एक स्वर में एकता NMOPS बैनर तले संगठित होकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। NMOPS सिरोही के जिला समन्वयक एवं नर्सेज एकीकृत महासंघ के जिला अध्यक्ष जीवन दान चारण ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें ओल्ड पेंशन योजना लागू करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिलकर धन्यवाद ज्ञापित किया व उन्होंने आशीर्वाद रूपी वचनों से सभी प्रतिनिधि मंडल को सुशोभित किया। प्रतिनिधि मंडल को मान सम्मान देकर नजीर पेश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदैव कर्मचारियों के हित के लिए तैयार हैं। कर्मचारी भी सरकार का हिस्सा है, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तब तक सरकारी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये सामाजिक जीवन सुरक्षा के लिए ही पेंशन लागू की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में NMOPS के बैनर तले जो साथी पेंशन योजना लागू करने के लिए दिन रात एक कर दिया था, चाहे धरातल पर सहशरीर योगदान हो या सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य तरीकों से एक योद्धा की तरह लड़ते हैं। आज भी दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि जब तक पेंशन पूरे देश में लागू नहीं होती है तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। ऐसे पेंशन योद्धाओं का सम्मान किया गया जिसमें सिरोही जिले से नर्सेज अध्यक्ष जीवन दान चारण व मनोज कुमार नालिया को पेंशन योद्धा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अन्य सक्रिय भूमिका निभाने वालों को भी सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष चारण ने कहा कि ये सम्मान उन सभी सक्रिय भूमिका निभाने वाले सिरोही जिले के साथियों को संप्रतित है। सभी की कहीं ना कहीं भूमिका रही है इस पेंशन योजना की लड़ाई में और सभी साथियों से अपील है कि जब तक पूरे भारत में पेंशन योजना लागू नहीं होती तब तक आराम हराम है के मंत्र के साथ चलते रहना है। एक दिन यह सपना जरूर पूरा होगा।